कई बार हमें अपनी लाइफ में एक जगह आकर रुक जाते हैं, ना हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है ना कुछ बुरा हो रहा होता है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो ये छोटी सी कहानी आपके लिए है। एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था, वहाँ पर कुछ तोते लेकर एक आदमी आया। उसने राजा साहब से कहा, आप हम सब जनता का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मेरे पास कुछ अनोखे तोते हैं, मैं आपको और आपके राज्य को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, आप इनमें से कोई भी जोड़ा अपने लिए पसंद कर लीजिए। राजा को एक तोते का जोड़ा पसंद आ गया, वो तोते वाला जोड़ा देकर वहां से विदा हो गया। राजा ने उन तोते के जोड़ों को अपने बगीचे में पिंजरे में रखवा दिया और एक ट्रेनर को उनको ट्रेन करने के लिए रख दिया। तोते पिंजरे से बाहर निकलते, ट्रेनर उनको उड़ाना सिखाता था, ये सारा प्रोसेस चलता रहा। 10-15 दिन बाद वो ट्रेनर राजा के पास आया और बोला, महाराज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इन दोनों तोतों के बारे में। राजा ने बोला, बताओ। उस ट्रेनर ने कहा कि एक तोता तो उड़ने लगा है, वो महल की छत तक भी उड़ने लगा है, लेकिन दूसरा तोता जो है वो डाल पर ही बैठा रहता है, ना वो उड़ता है ना ही कोई कोशिश करता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनने के बाद राजा साहब को थोड़ी सी चिंता हुई। उन्होंने ये बात अपने मंत्रियों को बताई और कहा कि कोई और ट्रेनर का इंतजाम किया जाए, शायद वो आए और ये तोता उड़ने लगे। बहुत से ट्रेनर आए, उस ना उड़ने वाले तोते को उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन सब नाकाम रही। अब राजा साहब ने गांव में ऐलान कराया कि जो भी इस तोते को उड़ाना सिखाएगा उसको उपहार दिया जाएगा। ये बात गांव में फैल गई कि उसी दिन एक किसान राजा के दरबार में आया और बोला कि मैं आपके तोतों को उड़ना सिखाऊंगा। राजा ने हामी भर दी। 2 दिन बाद किसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि वो तोता उड़ने लगा और वो तोता दूसरे तोते से भी ऊपर उड़ने लगा। राजा साहब को यह खबर उनके दरबारियों ने आकर दी कि राजा साहब चमत्कार हो गया, कमाल ही हो गया है, वो तोता तो दूसरे तोते से भी ऊपर उड़ रहा है। राजा साहब ने बोला, बुलाओ उस किसान को। किसान को दरबार में बुलाया गया, पूछा गया कि बताओ भाई ऐसा क्या किया कि दूसरा तोता उड़ने लगा। किसान ने कहा, राजा साहब मैंने वो डाल ही काट दी जिस डाल पर वो तोता बैठा था, उस डाल को मैंने काट दिया। इस लाइफ में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, और हमारी जिंदगी में कोई भी आए और डाल काट के चला जाए तब शायद हम उड़ेंगे। जिंदगी में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए, रिस्क लीजिए, उड़ने के लिए डाल काटने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले ही उड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो और प्रश्न उत्तर के लिए क्वेश्चन डालो कमेंट्स में, और यार नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो लाल वाला डब्बा दबाते हुए चले जाना। सी यू सून।